नमस्ते दोस्तों, वंसाबाई देसी किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। ये छोले हमने रात में भिगा के रखे थे, अभी इसे हम सीटी लगाएंगे। ये हमने कुकर में डाले हैं, पानी डाला है, जितने छोले हैं उससे 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी हल्दी। अब हम इसे सीटी लगाएंगे। हम इसे 4-5 सीटियाँ फुल पे रखेंगे और 15 मिनट कम गैस पे रखेंगे। ये देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। देखिए छोले का मसाला बनाने के लिए हमने इतनी प्याज ली है। अब प्याज को हम कद्दूकस करेंगे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई रखनी है, उसमें तेल डालना है। अब हम प्याज डालेंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा था। ये देखिए हमारे प्याज को कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। अब प्याज के साथ हम इसे भूनते रहेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से एकदम डार्क ब्राउन कलर आना चाहिए प्याज को। ये देखिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी थोड़ा थोड़ा सा हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट कढ़ाई में लग रहा है। बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसे अच्छे से भूनते रहना है। इससे आपका प्याज पूरी तरह से एकदम घुल जाएगा और एकदम पतली गाढ़ी ग्रेवी बन जाएगी, दानेदार प्याज नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बीच बीच में आपको थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से भूनते जाना है। देखिए मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं, अब इसे हम मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज पूरे अच्छी तरह से भून गया है और पूरा डार्क ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हमने जो टमाटर पीसे हैं वो इसमें हम डाल देंगे। इसे हम घुमा लेंगे। आप कोई भी जितनी अपनी सब्जी को भून भून के बनाएंगे उतनी आपकी सब्जी टेस्टी बनेगी। अब 2 मिनट हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और इसका तेल भी निकल रहा है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच। मैं छोले मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोले मसाला ना हो तो आप नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। छोले मसाला हम डाल रहे हैं 2 चम्मच। 1.5 चम्मच हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर भूनेंगे। इससे हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून जाएगा और जो सूखे मसाले हैं वो भी अच्छे से पूरे घुल जाएंगे। अब इसे हम 2 मिनट तक फुल गैस पे चलाते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया है, एकदम बढ़िया लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसाले में। इसमें हम अभी 2 हरी मिर्च डालेंगे, ऊपर से कच्ची हरी मिर्च डालेंगे और अब ऐड करेंगे छोले। छोले भटूरे बोलो तो बच्चों की फेवरेट डिश होती है। कुछ खाए या ना खाए पर छोले भटूरे के लिए हमेशा बच्चे रेडी होते हैं। इसे भी हम अच्छे से हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे, अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे।
देखिए कलर भी हमारा कितना अच्छा आ गया, बहुत ही बढ़िया। जितने दिखने में बढ़िया लग रहे हैं उतने टेस्टी भी बने हैं। अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे। यह हम वो पानी डाल रहे हैं जो हमने छोलों के लिए डाला था उबलते समय। सबसे पहले हमें वो पानी यूज़ करना है, उसके बाद अगर हमें पानी कम लगता है तब हम दूसरा पानी उसमें डालेंगे। यह हल्के हाथ से हमें चलाते रहना है। पाँच मिनट अभी हम इसे ढक के कम गैस पे उबलने रखेंगे। ये देखिए छोले एकदम बढ़िया तरीके से पक गए। अब इसमें हम लास्ट में हरा धनिया डाल रहे हैं और घुमा रहे हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़े और टेस्टी हमारे छोले बनके एकदम रेडी हो गए हैं। ये तीन कटोरी हमने मैदा लिया है भटूरों के लिए। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना क्योंकि हमारे छोलों में भी नमक है। आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी बेकिंग सोडा। सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में कि कोई भी चीज़ हमारी एक तरफ ना रह जाए, कि हम जब दही डालें पानी डालें तो मिक्स होने में कुछ भी प्रॉब्लम हो। अब हम डालेंगे, बड़ी एक कटोरी हमने दही लिया है, अब हम दही मिक्स करेंगे। इसे भटूरे में बहुत अच्छी खटास आ जाती है और एकदम सॉफ्ट बन जाते हैं। हल्के हल्के हाथ से हमें पूरा पहले मिक्स करना है दही को। दही हमने खट्टी ली है, एकदम फ्रेश वाली दही नहीं ली है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे। आटा हमें बहुत कड़क नहीं गुनना है ना बहुत पतला गुनना है। जितना आप अच्छे तरह से अपने आटे को गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके भटूरे सॉफ्ट और फूले फूले से बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें आटा गूंदने पे ध्यान देना। देखिए हमारा आटा एकदम गूंद के रेडी हो गया है, पर अभी भी आटे का मेन पार्ट बाकी है। देखिए मैंने कटिंग बोर्ड लिया है। आप किचन का फ्लैट फॉर्म भी एकदम अच्छे से क्लीन साफ कर सकते हैं, या बड़ी सी आपके पास आटा गूंदने की थाल है उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने आटा लिया है, हल्का सा तेल हमें हमारे हाथों पे लगाना है और ये आटे को अभी अच्छे से हमें पटकना है। जितना आप आटे को पटकोगे उतने आपके भटूरे सॉफ्ट और फूल फूले से बनेंगे। ये हल्का हल्का से तेल हमें लगाना है और बढ़िया तरीके से हमें आटे को गूंदते जाना है। ये सबसे मेन पार्ट है हमारे आटे का। दस से पंद्रह बार आपको इसे पटकते जाना। ये देखिए आपका आटा एकदम बढ़िया एकदम सॉफ्ट बन रहा है आटा और फूल फुला सा बन रहा है।
बीच बीच में हमें तेल भी लगाते रहना है। ये देखिए आटे को आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना अच्छा एकदम फूल रहा है हमारा आटा। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यही पार्ट में लगेगी। ये देखिए आटा एकदम बहुत बढ़िया गूंद किया अपना। अभी से हम हल्का सा ऊपर से तेल लगा लेंगे। अभी से हम 15 से 20 मिनट के लिए गीला कपड़ा या नॉर्मल आप ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं। देखिए 20 मिनट हो गए, हमने भटोरे का आटा भिगा के रखा था ढक्कन लगा के, अब एकदम ये नरम हो गया है। अब इसके हम भटोरे बनाएंगे। ये देखिए हमने इतनी लोई ली है, हमारा भटोरा एकदम पतला सा नहीं हमें बनाना है, थोड़ा सा मोटा बनाना है। तो ये हमने ऐसा ले लिया है, इसमें हल्का सा हम तेल लगा लेंगे कि हमारा भटोरा नीचे चिपके नहीं। बढ़िया तरीके से इसे हल्के हल्के हाथ से हमें बेलते जाना है। बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट, एकदम नरम सा, जैसे आप होटल में खाते हो उसी हिसाब से आपको घर पे भी भटोरा खाने के लिए मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छे से भटोरा अपना फूल रहा है और बहुत ही सॉफ्ट कलर भी देखिए कितना अच्छा आया इसमें। एक बारी आप घर पे भटोरे और छोले बनाओगे, बच्चों को खिलाओगे, तो बाहर का फूड आप खाना भूल जाओगे। जो भी आपको खाना है आप हर एक चीज़ अपने घर पे बना के हेल्दी खा सकते हैं।